चलो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ अप्रैल 2023, सॉरी सितंबर 2023. सितंबर 2023 का हम लोग स्टार्ट करते हैं. देर आर फोर क्वेश्चंस, 16, 14, 21 एंड 49 मार्क्स का. तो ये ऑलमोस्ट 50 मार्क्स परसेंट वेटेज है इसका. तो अपने क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे. ठीक है, ऑल ऑफ यू रेडी? एन एनालिस्ट इज इन्वेस्टिगेटिंग द हिस्टोरिक मोर्टैलिटी एक्सपीरियंस ऑफ अ लाइफ इंश्योरेंस कंपनी. द एनालिस्ट हैज बीन गिवन द क्लेम्स एक्सपीरियंस डेटा फॉर द फॉलोइंग पोर्टफोलियो ऑफ पॉलिसीज सोल्ड ऑन 1 जनवरी 2008. तो बेसिकली क्या है, हम लोग को हिस्टोरिक मोर्टैलिटी एक्सपीरियंस चेक करना है एनालिस्ट का, जिसको क्लेम गिवन द क्लेम एक्सपीरियंस डेटा ऑन 1 जनवरी 2008. तो क्या क्या है, 15 ईयर टर्म अश्योरेंस है विथ अ टोटल सम अश्योर्ड ऑफ 12.8 मिलियन, इश्यूड टू अ ग्रुप ऑफ लाइव्स एज्ड 32 एग्जैक्ट एट द आउटसेट. डेथ बेनिफिट्स वर पेड इमीडिएटली ऑन डेथ, प्रीमियम्स वर पेड एनुअली इन एडवांस. ठीक है, नेक्स्ट इज टेम्पररी लेवल एन्युइटी विद अ टोटल एनुअल बेनिफिट ऑफ 6,40,000, इश्यूड टू अ ग्रुप ऑफ 67 एग्जैक्ट. 15 इयर्स का है, सिंगल प्रीमियम पॉलिसी है एंड एन्युइटी आर मेड इन अरेयर्स. इसमें सब कुछ दिया हुआ है. कैलक्यूलेट पहला क्वेश्चन फॉर बोथ पॉलिसीज द टोटल प्रीमियम received in the first year of the policy. तो हम लोग को क्या क्या गिवन है इन द क्वेश्चन पेपर. वी हैव तो हम लोग को एज, ये हम लोग को क्यू एक्स दिया हुआ है दोनों का अलग अलग फॉर टेबल ए एंड टेबल बी. प्राइसिंग 100% ऑफ टेबल ए टर्म अश्योरेंस का. इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है दोनों का अलग अलग. एंड दिस इज द क्लेम एक्सपीरियंस विच इज हैपनिंग. अश्योरेंस में कितने लोग मर रहे हैं, कितने लोगों को क्लेम मिलेगा, और एन्युइटी में रिडक्शन इन द एनुअल बेनिफिट कितना हो रहा है ओवर द नेक्स्ट 15 ईयर्स. ऑलराइट, सब कुछ गिवन है. नाउ लेट्स मूव टू द फर्स्ट पार्ट, विच इज आई फील ये एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ऑफ द क्वेश्चन पेपर. तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों को दोनों का अलग अलग निकालेंगे, दोनों को मिक्स नहीं करेंगे. इन्होंने भी अलग अलग किया, एक अश्योरेंस किया है, एक एन्युइटी किया है. तो अश्योरेंस में हम लोग को क्या निकालना है, प्रीमियम अमाउंट निकालना है ना, विच इज नथिंग बट अब पीवी निकालो. प्रीमियम का एक कुछ भी अमाउंट अज्यूम करोगे तो आपका आ जाएगा. एंड फर्स्ट वाले में भी इज इट ओनली वन प्रीमियम? हाँ, बट इसमें प्रीमियम्स आर पेड एनुअली इन एडवांस लिखा हुआ है. ठीक है, सो क्यू एक्स बोला है पहले. क्यू एक्स इज मरने का प्रोबेबिलिटी विच इज टेकन फ्रॉम द प्रीवियस. ये वाला ले लो है ना, एंड यू ड्रैग. नहीं, एक सेकेंड, एज देख लेना, एज 30. हाँ, ये गड़बड़ हो जाएगा. एज 32 वाले से लेना है. ठीक है, ये हो गया. पी एक्स इज नथिंग बट 1 माइनस दिस. तो एक बार सुन लो कैसे करेंगे, फिर तुम लोग करना. तो इसके बाद हम लोग को क्या निकालना है, टर्म अश्योरेंस है कितने सालों का, 15. तो जब भी मरेगा तभी पे आउट होगा. टोटल हमने कितना अश्योर किया, 12.8, मतलब बहुत सारे ग्रुप ऑफ लाइव्स को बेचा है एंड उसका ये टोटल हमने किया है. तो अभी हमें नेक्स्ट क्या चाहिए, मरने का प्रोबेबिलिटी कब मरेगा एंड पीवी ऑफ बेनिफिट्स निकालना है बेसिकली. तो इफ यू वांट यू कैन आल्सो टेक आउट n-1 px. शुरू वाले साल का 1 रहेगा, दूसरे क्या हो जाता है ये मेरे इसमें, शुरू वाले साल का 1 रहेगा, नेक्स्ट वाले में दिस इंटू
वन माइनस, या फिर आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट पीएक्स भी कर सकते हो एन यू ड्रैग। ठीक है ना। एंड नेक्स्ट होगा डिस्काउंटिंग फैक्टर, ले लो। वन प्लस क्या बोला है, 5.75, मेक इट एब्सोल्यूट, टू दी पावर माइनस दो योर। नहीं, बट पेमेंट कब हो रहा है? पेमेंट हो रहा है इमीडिएटली ऑन डेथ है, सो इसको हम लोग डिस्काउंटिंग फैक्टर को क्या करेंगे, माइनस 0.5। वेरी गुड, माइनस। बट अगर फिर प्रीमियम कैलकुलेशन में इशू होगा। डिस्काउंटिंग फैक्टर तो एक काम करें, उधर मल्टीप्लाई कर देते हैं एक ही क्या? बात है, कहीं ना कहीं तो आपको मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, या तो आप इसमें करोगे या तो आप बेनिफिट्स वाले में करोगे। ठीक है, सो डिस्काउंटिंग फैक्टर, बट ना एक कर लेना, इसमें लिख लेना हाफ योरली, तो वो इजी रहता है, क्योंकि वरना वो समझने में इश्यू रहता है। तो ये हो गया, एंड देन यू हैव पीवी ऑफ बेनिफिट्स। कैसे निकालेंगे पीवी ऑफ बेनिफिट्स? यहाँ दिया हुआ है, एक बार देख लो प्लीज ऑल ऑफ यू, ये दिया हुआ है कि हर साल कितना का क्लेम आ रहा है। ठीक है, हर साल कितना का क्लेम आ रहा है, ये आप लोगों को गिवन है, तो ये हम लोग यहाँ से ले लेंगे। फिर व्हाट एल्स? एक सेकेंड रुको, गलत हो जाएगा, ये थोड़ी लेंगे, तो क्लेम एक्सपीरियंस है। अमाउंट कितना दिया हुआ है टोटल? 112.8 मिलियन। तो 8, 1, 2, 3, 4, 5 है ना, लेट मी पुट कॉमास। ठीक है, सो दिस इज, दिस मल्टीप्लाइड बाय डिस्काउंटिंग फैक्टर मल्टीप्लाइड बाय साल के एंड स्टार्ट तक जिंदा रहा एंड मरने का भी। ठीक है, सो यू ड्रैग एंड यू गेट द आंसर्स। ये इक्विवेलेंस प्रिंसिपल से शुरू में निकालना है, फिर वो एक्चुअल एक्सपीरियंस क्या आएगा उससे तो हमें फर्क बाद में पड़ेगा ना। एंड देन यू हैव पीवी ऑफ प्रीमियम्स। नाउ प्रीमियम्स इज समथिंग यू हैवन कैलकुलेटेड येट। दो मेथड है, या तो आप गोल सीक कर सकते हो, या तो आप इन्होंने क्या किया वो भी कर सकते हैं। पीवी ऑफ प्रीमियम इज इक्वल टू पीवी ऑफ बेनिफिट, तो पीवी ऑफ बेनिफिट आ गया डिवाइडेड बाय, आप वो कर सकते थे पी कॉमन लेके, वो भी कर सकते हैं, या गोल सीक कर लो, प्रीमियम का एक वैल्यू ले लो इधर, लेट्स सपोज 5,000। दिस मेक इट एब्सोल्यूट इनटू, ये वी है, बट ये कब मिल रहा है प्रीमियम? प्रीमियम कब मिल रहा है? एट द स्टार्ट। तो इनटू क्या करना होगा, 1 प्लस आई। टू दी पार, इसमें हमने किया है टू दी पार -0.5 किया है, तो +0.5 करेंगे ना। पहला साल में तो तुमको टाइम 0 पे मिल रहा है, वन डिस्काउंटिंग फैक्टर तो 0.5 पर है ना। प्लस आई, 1 प्लस आई होल टू दी पार 0.5 की है, वी टू दी पार 0.5 की हो ना, तो इनटू 1 प्लस आई 0.5 करोगी तभी तो वो कैंसिल आउट होगा। और सेकेंड वाला का क्या है, वी टू दी पावर 1.5 है, होना चाहिए वी टू दी पावर 1, तो तुमको एक आई, 1 प्लस आई टू दी पावर 0.5 तो मल्टीप्लाई करोगी तभी तो इक्वलाइज होगा ना वो चीज, और पहला वाला 5,000 ही आना चाहिए। एंड यू नीड टू ऑल्सो मल्टीप्लाई दिस विथ जिंदा रहने का पी एक्स की, दिस दिस। ठीक है, एंड यू ड्रैग, जस्ट मेक श्योर यू हैव। ठीक है, एंड नाउ व्हाट डू यू नीड टू डू, दोनों के पीवीज को अपने को इक्वल करना है, सो
सो लेट मी, दोनों के पीवीज को हम लोग इक्वल करेंगे। हाँ वैसे भी कर सकते हो, एनी विच वे माइनस ही कर देते हैं ना, माइनस बेटर रहेगा। दिस माइनस सम ऑफ, अरे यार, तो इसको गोल सीक से जीरो करो। डेटा, व्हाट इफ गोल सीक बाय चेंजिंग प्रीमियम, आर ए 17626.8। सेम सेम यू डू फॉर टेम्पररी एनुइटीज। टेम्पररी एनुइटीज बोल रहा है सिक्स लाख 40 का मिलेगा बेनिफिट, एनुअल बेनिफिट है 67 को एंड 15 ईयर्स का, तो 67। तो यहाँ का क्यू एक्स हम लोग जाके टेबल बी मतलब 67 मतलब ये वाला आप लोगे, ठीक है ना। एंड दिस विल बी 1 माइनस ऑफ क्यू एक्स। एक बार देख लो मेरा मेथड करने का, फिर मैं टाइम दे दूंगी आप लोगों को करने का। एंड व्हाट डू यू गेट आफ्टर दिस, अगेन द सेम थिंग, लेट मी कॉपी द टेबल ओनली ना, मतलब ये वाला रो कॉलम है ना, तो वो अपने आप एडजस्ट हो गया। देखो फिर वी हैव द डिस्काउंटिंग फैक्टर, इसमें कब मिल रहा है बताओ एक बार मेरे को। हाँ आपको एनुअली इन अरियर मिल रहा है, सो अगेन वी डोंट नीड दैट माइनस करने वाला चीज। इसका आई अलग है, करेक्ट, सो वी नीड टू चेंज दैट। वेरी गुड, माइनस वन, अरे एब्सोल्यूट नहीं करा मैंने, ठीक है हाफ ईयरली हटा दो। देन पीवी ऑफ थोड़ा स्मार्ट एक्ट करेंगे, इसमें एक ही प्रीमियम है ऑल्दो डजंट मैटर। कितना है, 6 लाख 40 ना, 6 लाख, ये सो दिस मेक इट एब्सोल्यूट इनटू, कब मिलेगा कोई नहीं बोलेगा, दित्या बोलेगा कब मिलेगा पेमेंट, मरने पे कि जिंदा रहने पे। एनुइटी है, सो ये हो गया ईयर के स्टार्ट में जिंदा है, इनटू डिस्काउंटिंग इनटू ईयर के पूरे साल में जिंदा रहा। एन माइनस वन पी एक्स का मतलब 0 PX, तो वो 1 ही होगा। पूरा साल जिंदा रहने का प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई करेंगे, नेक्स्ट ईयर क्या हो जाएगा, 1 PX पहला साल जिंदा रहा एंड दूसरा साल भी जिंदा रहेंगे, तो ये वाला PX ले लेंगे। दैट इज वॉट वी हैव डन, ठीक है। एंड देन पीवी ऑफ प्रीमियम, देर इज ओनली वन सिंगल प्रीमियम, तो आप क्या करोगे, आप सम ऑफ, इसमें गोल सीक मत करना बेवकूफ लोगों के जैसे, यहाँ पे लिख देना बट यूजिंग गोल सीक, एंड देन यू गिव दैट टेबल सेट सेल टू वैल्यू बाय चेंजिंग, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये अगर आप नहीं देना चाहते थे तो आप जो मैंने मेथड बताया वो कर सकते थे। दिस इज द आंसर दैट वी आर गेटिंग फॉर द पीवी, सिंगल पीवी। यहां तक हो जाए तो यस लिखो सब लोग चैट बॉक्स में क्विकली।
डिस्काउंटिंग फैक्टर कुछ गलत होगा। हम लोग डायरेक्टली n माइनस वन पी एक्स तरीके से पी एक्स के मॉडल देखते हैं। n माइनस एन माइनस वन पी एक्स के है। पी एक्स के मॉडल करेंगे ना इसमें तो सर जब क्यों? सिंपल है। एक सेकेंड, एन माइनस वन पी एक्स क्या है? डिफाइन इट। टाइम वन पे तो टाइम जीरो पे रहने का प्रोबेबिलिटी तुम भूल जाओ, गियर टू का बात करो। गियर टू का बात करो, व्हाट इज एन माइनस, कब? एक साल, 0 से 1 के बीच में जिंदा रहने का है n माइनस वन पी एक्स। पेमेंट कब हो रहा है? तो 1 एंड 2 के बीच में तो जिंदा रखना पड़ेगा ना उसको। इफ यू वॉन्ट यू कैन कैलकुलेट एन पी एक्स फॉर दिस, बट क्योंकि यू वॉन्ट टू मेक इट इजी, क्योंकि हमने थोड़े कॉपी पेस्टिंग वर्क किए हैं, इजी हो जाते हैं उससे। ठीक है ना? नेक्स्ट करें। यस लिखो चैट बॉक्स में, हो गया तो। नेक्स्ट बोल रहा है, कैलकुलेट यूजिंग द एक्चुअल मोर्टैलिटी एक्सपीरियंस। द रिजर्व्स हेल्ड एट द एंड ऑफ ईच पॉलिसी ईयर फॉर बोथ पॉलिसी टाइप्स। कैलकुलेट यूजिंग द एक्चुअल मोर्टैलिटी एक्सपीरियंस, द रिजर्व्स हेल्ड एट द एंड ऑफ ईच ईयर। तो अभी हमने स्टार्ट किया है इस बेनिफिट से, 1 लाख ये वाला बेनिफिट और ये वाला बेनिफिट, बट एक्चुअल एक्सपीरियंस हम लोग को यहाँ दिया हुआ, दैट इज डिफरेंट। कि अश्योरेंस में पहला साल इतना पे हुआ, फोर्थ ईयर इतना पे हुआ, सिक्स ईयर इतना पे हुआ, इसका ये मीनिंग है। एनुइटी में पहला साल के एंड में इतना हुआ, सेकेंड ईयर के एंड में इतना हुआ, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये है रिडक्शन इन एनुअल बेनिफिट, सॉरी। तो ये वाला क्लेम्स पेड है और ये रिडक्शन इन एनुअल बेनिफिट है, मतलब 6,40,000 का है ना एवरी ईयर, उसमें इतना कम हुआ, उसमें इतना कम हुआ, उसमें इतना कम हुआ, सो ऑन एंड सो फोर्थ।
है, ये मीनिंग है इसका। तो हम लोग को कैसे निकालना है, रिजर्व्स कैसे निकालेंगे बताओ। पहले पहले काम, पहले एक्चुअली कितना पे आउट हो रहा है पहले वो देखें, बेनिफिट वो निकाल लें। अच्छा इन्होंने दिया इधर रिमेनिंग बेनिफिट एन्युइटी, इफ एट दी एन्युइटी आई एफ इज बेसिकली मे बी द, अरे वो उसको क्या बोलते हैं, एवरी ईयरली जो पे आउट हो रहा है एट द एंड ऑफ द ईयर। तो टर्म इंश्योरेंस पहले आप कितने किससे स्टार्ट कर रहे हो, 1,20,000 से, 1,80,000 से। अच्छा हाँ 1,00,000 नहीं है, वन ठीक है, एक बार देख लो ऑल ऑफ यू एंड देन आई विल गिव यू ऑल टाइम टू कंप्लीट। अब इसको क्या करना है, देखो दिस मेक इट एब्सोल्यूट, ये जीरो होगा क्या, ठीक है तो ये हो जाएगा दिस माइनस कितना क्लेम आ चुका है ऑलरेडी, विच इज क्लेम पेड, ठीक है। इसको ना यहाँ एब्सोल्यूट कर दो, L5 ये वाले को, क्योंकि टोटल क्वेश्चन में देखो लिखा हुआ था कि टोटल 12.8 मिलियन को आप अश्योर कर रहे हो, टोटल आपका ये है, उसमें आपका एवरी ईयर कितना पे आउट हो रहा है तो वो माइनस होते जाएगा ना, इतना जो पे आउट हो गया अब वो माइनस हो जाएगा। सपोज मैंने टोटल 10 लोगों को इंश्योर किया, उसका मेरा था 12.8 मिलियन, एक जन को इतना अमाउंट पे कर दिया तो वो माइनस हो गया ना 12.8 से, वो चीज कर रहे हैं। एंड देन यू ड्रैग दिस एंड इफ यू मैच द ईयर्स, यू आर स्टार्टिंग हियर एंड दिस इज लाइक एवरी ईयर एंड, तो एक बार देख लो ये आना चाहिए। एक बार हम ना खाली अश्योरेंस का करते हैं, एन्युइटी का हम बाद में करेंगे, फिर अभी अश्योरेंस का जब हम लोग करेंगे तो अश्योरेंस का हम लोग, ये आपका अमाउंट था, पीवी ऑफ बेनिफिट निकाल लो, पीवी ऑफ प्रीमियम्स, क्योंकि यहाँ पे प्रीमियम्स एवरी ईयर पे हो रहा है, एंड देन यू गेट योर रिजर्व्स, ठीक है। तो पीवी ऑफ बेनिफिट यहां से स्टार्ट करना, पीवी ऑफ बेनिफिट कैसे निकालेंगे, बोलो कैसे करेंगे इसको। हाँ
बोलो बताओ आंसर कैसे करेंगे। हाँ तुम लोग एक बेसिक कॉन्सेप्ट भूल रहे हैं रिजर्व्स का, प्रोस्पेक्टिव एंड रेट्रोस्पेक्टिव। अगर ये तुम लोग को एवरी ईयर का बेनिफिट गिवन है, तुम लोग को प्रीमियम भी गिवन है, प्रीमियम हम लोगों ने निकाल लिया ऊपर है ना, तो अगर ये चीज गिवन है तो पीवी ऑफ बेनिफिट, अगर हम लोग को रिजर्व्स निकालना हुआ तो रिजर्व्स अगर प्रोस्पेक्टिव यूज करेंगे, इस पीवी ऑफ बेनिफिट माइनस पीवी ऑफ प्रीमियम। चलिए उसका तो कैसे निकालें यहां पे बताओ। अगर अमाउंट गिवन है कि भाई आज के बाद से, फर्स्ट ईयर के बाद से तुम्हारा इतना टर्म अश्योरेंस का अमाउंट है, सो व्हाट फैक्टर डू यू नीड? दिस इज हैपनिंग एट द मिडल ऑफ द ईयर, यू नीड ए बार, नॉट 0.5, पूरा ना, जितना टर्म बचा है आपका, जितना टर्म आपका बचा है उसका आपको, हाँ, तो वो मेथड कर सकते हैं यूज, जहां हम लोग ए बार 15 माइनस एन लेके करेंगे, तो जितना टर्म बचा है, से 14 ईयर्स बच रहा है, 13 ईयर्स बच रहा है, तो वैसे हम लोग वर्क करेंगे। तो या तो वो मेथड है आपके पास कि आप वो कैलकुलेट करोगे, सेकंड, इन्होंने कैसे कैलकुलेट किया उसको, लेट मी चेक। अच्छा नहीं, टर्म एश्योरेंस है ना, सो दिस क्यू एक्स इंटू वी प्लस पी एक्स इंटू, इसको लेके आएंगे इंटू वी, ठीक है चलो, दिस मेथड इज बेटर, तो ये मेथड करते हैं, अश्योरेंस फैक्टर निकालते हैं, ठीक है? अब एक बार देखना फिर करना, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। अश्योरेंस फैक्टर देखो कैसे निकलेगा, पी एक्स क्यू एक्स अगर लेके आना है उधर से ला सकते हो, वरना इट्स फाइन, यहां से स्टार्ट करते हैं नीचे से, तो नीचे वाला से स्टार्ट एक बार देख लो क्या होता है, 1 इंटू जो भी मिलने वाला है, मिडल ऑफ द ईयर मिल रहा है क्योंकि इमीडिएटली डेथ का है, तो इंटू क्यू एक्स लेंगे, मरने का प्रोबेबिलिटी, इंटू 1 प्लस आई, मेक इट एब्सोल्यूट, होल टू द पावर -0.5, ये हो गया अगर वो मरेगा उस साल, ठीक है? और क्या करते थे, क्योंकि नीचे से ऊपर ड्रैग कर रहे हैं, प्लस इसको हम लोग एक पूरे ब्रैकेट में डाल देंगे, प्लस नीचे वाला जो फैक्टर है देख लो एक बार, प्लस ये जो नीचे वाला फैक्टर है अभी तो नहीं है ना, अभी 0 है, इनटू जिंदा रहने का विच इज पी एक्स एंड इनटू पूरा 1 साल पीछे लाने का, 1 प्लस आई होल टू द पावर -1 एंड यू जस्ट ड्रैग इट अप, ये नहीं आएगा, ठीक है? सारा अश्योरेंस आ गया, देख लो सो कर लो,
आपका पीवी ऑफ बेनिफिट्स क्या हो जाएगा? सिंपली दिस मल्टीप्लाइड बाय अश्योरेंस फैक्टर, दिस इज योर पीवी ऑफ बेनिफिट्स. आई डोंट नो व्हाई आई एम नॉट गेटिंग द करेक्ट आंसर. अच्छा, ये तो गलत है ना. देखो एक बार, ये तो आप ईयर वन से निकाल रहे हो ना, तो ये 15 ईयर्स का थोड़ी होगा. 15 ईयर्स ये वाला ऊपर आएगा, ये वाला फिगर ऊपर आएगा, क्योंकि समझना ये जो कैलकुलेशन है ये है योर 14 वाला. वो एंड में तो वही होगा ही नहीं ना. लेकिन 0.5 पर हो गया ना, हाँ, लेकिन एंड वाला तो 14 ये पर है ना. ये टाइम 14 वाला, टाइम 15 वाला हो गया ना ये. करेक्ट. तो एक काम करो ना, इसको पूरे को कट करके इधर पे ऐसे पेस्ट कर दो. तो ये इधर से स्टार्ट हो गया. हम लोग इधर में बेसिकली अब सही है, ये वाला तो कुछ होगा ही नहीं ना, 0 होगा योर 15 वाला. दिस विल बिकम दिस इनटू दिस. 15 वाला तो 0 होता ना. पीवी ऑफ बेनिफिट्स हो गया, पीवी ऑफ प्रीमियम सिमिलरली ए ड्यू करके निकालेंगे ना, एन्युइटी फैक्टर निकालेंगे. एन्युइटी फैक्टर निकालेंगे, तो ये वाला तो 0 होता है, नॉट इवन 1, एंड ये वाला 1 होता है. ठीक है, अब 1 के बाद क्या होता है बताना. एन्युइटी फैक्टर कैसे निकालते हैं? वेरी गुड. इसको ले लेंगे प्लस. नहीं, 1 प्लस VPX इन द फ्यूचर. हाँ, उस समय मिल रहा है 1 प्लस दिस इनटू वी 1 प्लस आई. नहीं, नहीं, दूसरा क्यों है? इनटू इनटू पीएक्स. फोर्टी सिक्स से उसके बीच में जिंदा रहने का. ठीक है, अब इसको पूरा ले जाएंगे ऊपर. तो पीवी ऑफ प्रीमियम कैसे आएगा? हाँ, नहीं, 0 से क्यों लेंगे, यहीं से लेंगे योर 1. तो प्रीमियम का अमाउंट कितना दिया हुआ है? दिस इनटू ये वाला, इसको मेक इट एब्सोल्यूट. बट अगेन मुझे क्यों लग रहा है कि ये गलत है. क्या बोल रही हो? यही लेंगे. बट ना इसमें एक प्रॉब्लम है, इसमें गलत आंसर आएगा. बताओ क्यों? क्योंकि इसमें प्रीमियम सेम नहीं मिलेंगे, प्रीमियम भी तो चेंज होंगे. एक्चुअल एक्सपीरियंस से आपका क्या हो रहा है, लाइफ डेथ हो रहा है, तो तुमको हर साल थोड़ी 1.7626 का प्रीमियम मिलेगा. कम मिलेगा, जो क्लेम हो जा रहा है उसका लेस करेंगे. पर यूनिट सम अश्योर निकालना पड़ेगा हम लोग को. तो एवरी ईयर
कितना प्रीमियम मिल रहा है पर यूनिट ऑफ सम अश्योर्ड, देन यहाँ पे आके आप उस पर यूनिट को मल्टीप्लाई करोगे इस सम अश्योर्ड से एंड देन यू मल्टीप्लाई विद एन एन्युइटी फैक्टर, क्योंकि लाइफ मर रहा तो आपको सेम प्रीमियम थोड़ी मिलेगा, बट तुमने निकाला है 1,28,000 पे, तुमने एक्चुअल पे नहीं निकाला है, तो प्रीमियम भी तो एक्चुअल एक्सपीरियंस से चेंज होगा। ब्रेक के बाद करेंगे, हैव लंच कर लो जाके, अभी कितना हो रहा है 12:50, 1:15, वील मीट हाफ एन आवर बाद, लंच कर लो उसके बाद इसको खत्म करेंगे।